नमस्कार, घटना चक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह कुछ खास मुद्दे, कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में चुनाव 9 दिसंबर को हैं, 9 और 14 दिसंबर को, 18 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है उसको लेकर के कई सारे सवाल हैं, और उस पर उन सवालों का विश्लेषण और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम करते हैं अपने खास मेहमानों के साथ। जिस तरीके से लगातार राजनीति का भी स्तर जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, एक पार्टी के नेता को आतंकवादी कहा जाता है, फिर सीडी जिस तरीके से आ रही है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए भास्कर घोष जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र प्रसाद जी, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ दिलीप के सिंह जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी, जिस तरीके से पिछले दो दिन से अब हम राजनीति होते हुए देख रहे हैं, एक सीडी आती है, फिर उसको लेकर के जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उसे वायरल किया जाता है, उसके पक्ष में उसके विरोध में बड़ी संख्या में लोग बात भी कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, हार्दिक पटेल की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति है? हम जैसे जैसे एक मैच्योर लोकतंत्र हो रहे हैं, वो हमारी राजनीति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम अभी भी उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं जो आज के 10 साल 20 साल 30 साल पहले हुआ करती थी। कैसे देख रहे हैं इसे आप? चीजें बिल्कुल बदलाव के तरफ है, स्टैटिक तो नहीं है। हाँ, बदलाव जो है कुछ अच्छे भी हैं और कुछ खराब भी हैं। मीडिया का असर जिस तरह से, और खास करके विजुअल मीडिया का, और उससे जो इम्पैक्ट आप बना सकते हैं, उसकी तैयारी आज से नहीं, मुझे लगता है उसमें कोई रुकावट नहीं आई है, गिरावट आप कह सकते हैं, वो जारी ही है। आप अपने जो, इसके दो पक्ष हैं, एक है कि आप अपने विरोधी के जो भी उसके खामियां, उसकी खामियों को, चाहे व्यक्तित्व को हो, चरित्र को लेके हो, बाकी चीजों को लेके हो, उन सारे चीजों को आप एक तरह से जो तमाम खामियां हैं उसको पब्लिक के बीच में ले जाते हैं। लोकतंत्र की ये लड़ाई है जहां पर के आपके पास तरीका है कि आप उनके तमाम खूबियों, खामियों को, और खुद पार्टी जो है वो अपने खूबियों को गिनाती है। तो उस लिहाज से अगर देखेंगे तो जो चारित्रिक, अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो यू आर सपोज टू हैव एटलीस्ट, जिसको कहते हैं कि आपका एक चरित्रवान होना चाहिए, ये उम्मीद की जाए। अगर आपका चरित्र खराब है किसी भी तरह से, तो उसके लोगों तक अगर कोई ले जाया जाता है तो उसको डर्टी पॉलिटिक्स कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये एक सवाल है। इसका दूसरा पक्ष है कि क्या समय को लेकर के, कि अगर इसके किसी के पास भी ये चीजें थी तो इसका मतलब ये क्यों है कि ये इसी समय पे उसको आप लेके आइए, इससे पहले भी आप लेके आ सकते थे अगर आपके पास थी। तो टाइमिंग को लेके जो आपका दूसरा पक्ष है वो मजबूत होता है कि ये डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं है कि अपने विरोधियों को ऐसे समय में आके आप उस पर हमला बोले इन चीजों से, जिसका कोई औचित्य नहीं है। क्या उसका पब्लिक लाइफ का, और जिस उम्र में है, जिस उम्र, अच्छा उसमें कई सारी चीजें हैं, तो उसमें कई चीजों को देख के लगता भी नहीं है कि, और कुछ चीजों को देख के लगता भी है। तो मुझे लगता है कि इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष है कि जो विरोधी की जो खामी है उसको उजागर करिए, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट से ज्यादा अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट में है तो उसको कोई नेता, कोई राजनीतिक दल, आज तक उससे ये कोई राजनीतिक दल भारत में कहे कि उन्होंने अपने विरोधियों के बारे में अगर कोई उनके पास, खास करके चुनाव तक अगर कोई उनके पास कोई भी इस तरह की चीजें हो तो उसका वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो हमने देखा है कि कई बयान को तोड़ मरोड़ के, कई लोगों की चीजों को तोड़ मरोड़ के चुनाव जीते गए, हारे गए हैं। तो स्लोगन और नैरेटिव्स जब आप बनाते हैं तो स्लोगन और नैरेटिव्स का ये हिस्सा होता है कि आप अपने विरोधियों पे एक ऐसा नैरेटिव बनाते हैं कि देखिए इनके पास कोई चरित्र ही नहीं है, चरित्रवान तो हम ही हैं। तो ये तो भारत के सियासत में मुझे लगता है कि ये उसका एक अभिन्न अंग है। उसमें चीजें सोशल मीडिया के आने से थोड़ी उसमें बढ़ोतरी हुई। उपेंद्र जी, मेरा इससे आगे बढ़कर एक सवाल आपसे है कि क्या जो जनता आज के 30 साल 40 साल पहले थी, आज की जनता भी क्या वैसी है या उससे ज़्यादा मैच्योर हुई है? क्या वाकई में उसको इन बातों से फ़र्क पड़ता है कि कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या उसके लिए ठीक है एक 23-24 साल का युवा है और जिसने जिसने भी इसे स्टिंग करने की कोशिश की या जिसने वहाँ कैमरा लगाया,
उसको दोषी ना माना जाए और उस व्यक्ति को दोषी माना जाए, या क्या इस हिसाब से मैच्योरिटी आई है यूथ में खास तौर से? क्योंकि हम देख रहे हैं उसके पक्ष में भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि बालिग है, कोई ऐसा नहीं है कि वो दुष्कर्म कर रहे हैं, दो लोगों की सहमति से उसकी निजता का हनन भी है ये कि आप किसी चीज को शूट कर रहे हैं। देखिए, ये जो हमारी पूरी मोरालिटी या वैल्यू सिस्टम है इंडियन सिस्टम इंडिया का, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा कि अगर अमेरिका में या इंग्लैंड में इस तरह का आए किसी के खिलाफ तो उसकी राजनीतिक मौत हो जाती है। हालांकि हम बोलते हैं कि वहाँ की सोसाइटी बहुत फ्री है, सेक्स है जो इस तरह से टैबू नहीं है जिस तरह से इंडिया में है, तो वहाँ बहुत फ्री सोसाइटी और सेक्स टैबू नहीं है, तलाक होती है, बहुत शादियाँ होती है, एक एक आदमी तीन तीन बार चार चार बार तलाक करता है, शादी करता है, और हमारे यहाँ की बहुत टैबू है, लेकिन फिर भी जो समर्थ है उस पर आरोप लगता है तो उसको कुछ बिगड़ता नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा इंडिया में। वो जो बिगड़, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये भी है कि जो ये तुलसीदास ने लिखा कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो सामर्थ्यवान है उसको दोषी नहीं माना जाता है। जैसे सूर्य हो गया, सुरसरी गंगा हो गई, गंगा बहा दे, सूर्य जला दे, आग लगा दे, तो आग को कोई दोष नहीं देता, गंगा को दोष नहीं देता, सूर्य को दोष नहीं देता। उसी तरह से ये सिस्टम हमारे यहाँ वैल्यू सिस्टम है एक, वो लोगों के बीच में, तो लोगों के हिसाब से तो हमें नहीं लगता है कि ये जो सीडी वगैरह निकलता है उससे कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने देखा कि बहुतों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगे हैं और वो जीते हैं। दूसरे के क्यों छोड़िए, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री है इन पर भी इस तरह का आरोप लगा था, अटल बिहारी वाजपेयी पर आरोप लगाया था, सुरेंद्र स्वामी ने इस तरह का आरोप लगाया था, तो आरोप लगे हैं लेकिन इनका कुछ नहीं बिगड़ा। अटल बिहारी जी पर उसमें लगाया था 1900 जब वो विदेश मंत्री थे 77 और 78 79 में, कुछ नहीं बिगड़ा, उसके बाद उनकी लोकप्रियता बनी रही। तो लोगों के स्तर पर इस तरह के सीडी का कुछ असर नहीं पड़ता। आरोप होना और सीडी होना दोनों में अंतर नहीं है कि एक तो ये आप आरोप लगाएगा, आप साक्ष्य दे रहे हैं, मान लेता है। देखिए, हाँ मान लिया जाता है कि सामर्थ्यवान है वो ये करेगा, अब ये देख लिया तो उसके जो विरोधी हैं थोड़ा सा विरोधियों को खुशी होगी, विरोधी चाहेंगे कि उससे उसको डैमेज करे, तो पावर प्ले बोले दो होता है, एक होता है लोगों के लेवल पर, एक होता है पावर प्ले के लेवल पर। तो जो पावर प्ले के लेवल पर वो होता है मामला, ये पावर प्ले पर उसको डैमेज करने की कोशिश की जाती है, इसे अगर आपके विरोधी हैं तो डैमेज करेंगे। मान लिया कि ये कोई सांसद है, उसके 15 विरोधी हैं और उनके खिलाफ कुछ आ जाता है इस तरह का सीडी, तो 15 मिल करके उनका जीना हराम कर देते हैं, तो उस लेवल पर तो असर होता है। लेकिन यहाँ पर हार्दिक पटेल किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमें बीजेपी के खिलाफ करना है। नहीं, लेकिन उपेंद्र जी एक सवाल है कि जो कुछ गुजरात में आ रहा है हार्दिक पटेल के बारे में, अब हार्दिक पटेल अगर ये कह दे कि भैया भाजपा की साजिश है, तो ये क्या पर्याप्त होगा? क्या लोग उसको यकीन नहीं करेंगे? क्या आपको ये मान लेगा कि हाँ ये भाजपा ने ही किया है? नहीं, वो तो मान लेंगे, लेकिन इसमें कोई बुरा भी नहीं मानेगा। भाजपा कर रही है तो बोलेंगे इसमें क्या गलत कर रही है भाजपा, तो भाजपा का होना भी अपने आप में भाजपा के खिलाफ कोई विपरीत टिप्पणी नहीं है। नहीं, हार्दिक को क्या नुकसान होगा? हार्दिक को क्या, हार्दिक तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी कोई क्या, पार्टी क्या, नहीं। क्या कांग्रेस को नुकसान होगा इसका? नहीं, कांग्रेस को कुछ नुकसान होगा, ये है जो इसका है मिनिमल इंपैक्ट, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई इसका कोई असर नहीं पड़ना पड़ता है। इसका ज्यादा ज्यादा जो पाटीदारों का जो अपना नेतृत्व है, आंतरिक नेतृत्व है, उसकी लड़ाई में कुछ फर्क पड़े तो पड़े। हालांकि ये सीडी भी वहीं से आ रहा है, सीडी जो आ रहा है जिनके जो नजदीकी लोग हैं हार्दिक पटेल के, उन्होंने जो इनके साथ ही रहे थे किसी कारण से अब अलग हो गए या उनके कंपटीटर हो गए, वो लोग ये कर रहे हैं, और उसका हो सकता है भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा रही हो। लेकिन अगर वो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा रही है तो लोग कहेंगे हाँ उठा रही है तो उठा रही है, उसमें क्या है। भास्कर जी, आपके पास आता हूँ, और आपकी पार्टी पर ये आरोप लग रहा है कि आप लोग इस बार जो है जो स्तर है राजनीति का वो गिरा रहे हैं, जिस तरह से सीडी जारी की गई, कहा यह गया कि बीजेपी ने जारी की है। इससे पहले अहमद पटेल के ऊपर ये आरोप लगा कि वो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, सोनिया गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। तो इस बार आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप जो है चुनाव में राजनीति का स्तर गिरा रहे हैं, कितनी आप इसको कितना सहमत होंगे इससे? देखिए, डर्टी पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं आप। पहले बात है कि आप राजनीति कह रहे हैं, नीति का सवाल आता है। आज हार्दिक पटेल जिस नीतियों के आधार पर इतने बड़े आंदोलन खड़ा किया है, वो भी एक तो नीति था, और इस नीति को उन्होंने सरकार के ऊपर एक दबाव डाले हैं, बहुत सारे लोग इसके लिए जिम्मेदार रहे हैं और बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए हैं। आज जो बंदा नीति की बात कर रही है, सरकार के साथ टकराव में जा रही है, वहां पे इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहा है, उसका व्यक्तिगत नीति जो है वो इतना अगर गिरी हुई निकलता है तो फिर नीति शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नहीं, पर आज देखिए आप वर्ल्ड, बात ये है कि देखिए आप
हाल ही में देखिए लंदन में यूके असेंबली यूके गवर्नमेंट हिल गया है, ऐसा कोई सेक्स स्कैंडल वहां पे आया है। हम लोग अमेरिका में भी देखे हैं, बिल क्लिंटन से लेकर के सभी जो राजनेताएं हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, इनके ऊपर ये आरोप बहुत बहुत महंगा पड़ रहा है इनको। बिल क्लिंटन को भी महंगा पड़ा था और आज यूके गवर्नमेंट पूरा गवर्नमेंट आज चेंज होने वाला है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोजीशन चेंज होने वाले हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप का भी अपना कैबिनेट में और अपना जो सपोर्ट स्टाफ में बहुत कारण रिजाइन करने, लेकिन ये आज से भारत में नहीं, गुजरात में नहीं, दुनिया भर में जब आप ऐसा बोल करके आप हार्दिक पटेल का ज्यादा नुकसान नहीं कर रहे हैं। एक 23-24 साल का लड़का है जिसको कि जिसने कि ठीक है एक आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप और तमाम लोगों का नाम ला करके आपको नहीं लग रहा कि आप हार्दिक पटेल का स्तर कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ा रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग देखिए पहले बात तो बीजेपी इसमें कोई कहीं भी नहीं है। बीजेपी इसमें अगर वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं, आरोप बेबुनियाद है। ये जो जो बंदा इसको रिलीज किए है वो अश्विन शंकरासारिया, वो जो अपलोड किया है इसको यूट्यूब में, वो कोई बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी का कोई मेंबर्स नहीं है, ना बीजेपी का कोई आधिकारिक है। तो फोटो लेकिन काफी चली है आपके मंत्रियों के साथ। नहीं ठीक है, तो आज बात है कि एक नीति का सवाल जब आते हैं कि आज हार्दिक पटेल जो पाटीदार समाज को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसी समाज के नियम अनुसार विवाह के पहले कोई भी शारीरिक संबंध इमोरल माना जाता है। तो आप मोरालिटी का जब आप प्रश्न होता है, वो प्रश्न अगर अपना पाटीदार समाज को रिप्रेजेंट करते हैं तो इतना इमोरल लोग को पाटीदार समाज रिप्रेजेंट करने का हक है या नहीं, ये बहुत एक बुनियादी सवाल पैदा हो जाते हैं। नंबर दो, जो आज सारा दुनिया में जो आप देख रहे हैं कि पब्लिक फिगर होने के बाद पर्सनल, जो आप कई लोग कह रहे हैं कि उनका पर्सनल लाइफ है, पर्सनल उनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन जब भी आप पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं तो फिर आपका जो पर्सनल डोमेन वो छोटे होते जा रहे हैं। आज जो भी आज करप्शन चार्ज में गए हैं, वो करप्शन वो कहते हैं कि हमारा ठीक है, ये हम अपने अपने तरीके से करप्शन किए हैं कि क्या जो भी किए हैं, तो ये इन दोनों में अंतर है। एक भाई एक से राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, बात है कि देखिए करप्शन मतलब सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन नहीं है, जो अपना कैरेक्टर का जो करप्शन है, करप्टिंग द कैरेक्टर, एक जो इतना बड़ा समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अपना जो एक बुनियादी कैरेक्टर उसको आप संभाल के नहीं रख सकते, तो आगे चल के उनका दायित्व कैसे संभालेंगे, ये एक बेसिक प्रश्न आ जाता है। आज इसके लिए किसका फायदा होगा किसका नहीं फायदा होगा, ये बड़ा तत्व नहीं है। ये तथ्य है कि आज भारत में भी देखिए एनडी तिवारी के ऊपर ये चार्जेस लगे थे, अल्टीमेटली एनडी तिवारी ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो ये एनडी तिवारी तो उसके बाद भी वो राज्यपाल भी बने, हाँ, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। आज हार्दिक पटेल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो इसको खंडन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी का आरोप लगा रहे हैं, वो स्वीकार करे कि मैंने ये किया था। शायद जनता तब राय देंगे कि ऐसा लोग जो स्वीकार करेंगे उनको हम लोग नेता बनाएंगे या नहीं, लेकिन आप सरेआम जो झूठ बोल रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो एक पब्लिक परसेप्शन बन चुका है, उसको आप सरेआम बीजेपी के ऊपर आरोप थोप रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव का मुद्दा है, चुनाव का गर्मी है, चुनाव का माहौल है। अगर चुनाव का माहौल नहीं होता तो आप बीजेपी के ऊपर आरोप नहीं लगाते। चलिए अब सारी बात हुई है, बहुत सारे सवाल हैं कि करके इसके दूसरे पहलू पे भी आएंगे आपके पास। अजय उपाध्याय से एक टिप्पणी ले लेते हैं। अजय जी, क्या इसमें आप किस तरीके से देख रहे हैं? उपेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है पाटीदार का जो नेतृत्व कर रहे थे उस पर जरूर असर पड़ सकता है, और इसी बात का इशारा अभी भास्कर जी कर रहे थे कि पाटीदारों के अंदर ये एक अनैतिक माना जाता है और ऐसे समाज का वो नेतृत्व कर रहे हैं जबकि उनकी नैतिकता नहीं है। आपकी टिप्पणी। गुजरात में अभी जो राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं चुनाव को लेकर के, जिस तरह से साम दाम दंड भेद की राजनीति सभी पार्टियों ने अपना रखी है सियासत के खेल में, ये स्वाभाविक है। और जो आया है ये सीडी, ये कहीं ना कहीं सियासी चाल का ही एक रूप प्रतिबिंबित करता है, उसी की प्रतिध्वनि कहीं ना कहीं सुनाई दे रही है। जहाँ तक डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ गुजरात की बात है, तो ये इसकी शुरुआत आपको पिछले 3-4 महीने से हम इसको सीरीज में लें तो किस तरह एक राज्यसभा चुनाव को लेकर के पूरी अपनी ताकत लगाने का प्रयास वहां किया गया, ये सर्वविदित है। और उसके कारण कई एमएलए को कर्नाटका तक की यात्रा करनी पड़ी, फिर बाद में दिखने और दिखाने में चुनाव आयोग को इन्वॉल्व होना पड़ा।
वहीं से शुरुआत थी। और गुजरात की अब जिस तरह से 3 नौजवानों का, बड़ा दुखद है लेकिन ये सच्चाई है कि अल्पेश, विघ्नेश और हार्दिक की हार्दिक बधाइयां, दोनों पार्टियां लेने को तैयार है। कांग्रेस भी उतनी ही आतुर है और भाजपा को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रयास करती रही कि ये लोग आए, और नहीं आए तो धीरे धीरे दूसरे जो रास्ते होते हैं सत्ता के हथकंडे होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनाने के प्रयास दिख रहे हैं। जहां तक इस सीडी की बात है, ये सीडी के बारे में खुद हार्दिक पटेल ने पिछले 1-1.5 महीने पहले इसकी सूचना लोगों को दी थी कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं अंदर में नेपथ्य में ये लड़ाई चल रही थी, बार्गेनिंग की बात, और शायद हार्दिक ने इस बात को नहीं मानी होगी। कहीं ना कहीं जब ये बात लग गई कि अब वो पक्ष, किसी जिसको लाभ हो सकता है उसके पक्ष में नहीं आया, तो क्यों ना इस तरह के हथगंडे अपनाए जाए। अब बात आती है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा तत्कालिक जो अभी चुनाव है। मेरा व्यक्तिगत मानना है, गुजरात की जनता में पिछले 20-22 वर्षों में जो जो डेवलपमेंट हुए हैं, सभी चीजों को वहां के लोग देख रहे हैं। हार्दिक एक मुखौटा है, हार्दिक एक चेहरा है, हार्दिक एक युवाओं की आवाज कुछ भी हो सकते हैं। हम जिस रूप में इसको रिप्रेजेंट करना यहाँ चाहे उसको हम बोल सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं उसका, लेकिन ये सच्चाई है कि इस तरह की पॉलिटिक्स को प्रेमानंद की धरती, दयानंद की धरती, मीराबाई की धरती, महात्मा गांधी की धरती और पटेल की धरती ऐसी राजनीति को कभी भी प्रश्रय नहीं देगी, जहां आप राजनीति के लिए सत्ता पाने और सत्ता में आने के लिए आप इस तरह के स्तर पर चले जाएं कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नौजवान नेता का आप सीडी बनाए, उसके निजता पर अधिकार लें। मैं ये पूछना चाहता हूं, दूसरी बात लास्ट है, इसके बाद मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा हूं, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। एक मैं सवाल जय, क्या आप मानते हैं कि अगर कोई ऐसा कुछ नहीं हो तब भी आपका सीडी बना करके इसको चलाया जा सकता है, और अगर आपका ऐसा चरित्र है तो क्या इसको नहीं चलाना चाहिए? दो बिंदु है। एक पहला बिंदु तो यह है कि आज जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी का युग है, कुछ भी संभव है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपको ज्यादा जानकारी है कि फोटोशॉप का क्या युग है। पहला, उसकी ऑथेंटिसिटी जो है, ऑथेंटिसिटी की जांच होगी वो अलग है। जी, मैं आप ही के आंसर दे रहा हूं। मैं दूसरा है कि यदि ऐसा है तो दो प्रश्न, इसमें भी दो आंसर है इसके। एक है कि ये उस व्यक्ति की निजता है, सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशन को मान्यता दी है, और यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संबंध, जिसमें कि लड़की कोई या उसके परिवार वाले आपत्ति नहीं किए या लड़के के परिवार वालों ने आपत्ति नहीं की, और वो यदि लिविंग रिलेशन में है जो अनमैरिड है, और उसका जो स्टिंग किया है, पहले तो स्टिंग वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए कि करने वाले कौन है, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बात है, अब बात आती है इसके नैतिक, भास्कर जी आपका लास्ट वाला आंसर भी मैं दे रहा हूं। तीसरी बात है, अब इसके नैतिक आधार है। निश्चित तौर पर यदि राजनीति में है तो राजनीतिक सूचिता और आपके चरित्र की एक सामाजिक अपनी अवधारणा है और उसका मूल्यांकन लोग करते हैं, और यदि यह सही है, अलग बात है कि टाइमिंग गलत है, इस टाइमिंग आया है इसीलिए लोगों को लग रहा है कि जरूर इसके राजनीतिक कहीं ना कहीं आधार है, संकेत उधर जा रहे हैं। यदि ऐसा है और इसको यदि पहले आता तो निश्चित तौर पर हार्दिक पटेल जो आज एक फैक्टर बने हुए हैं वो गुजरात की राजनीति में फैक्टर शायद नहीं होते, क्योंकि आज भी भारतीय जनमानस नैतिक मूल्यों की और राजनीतिक सूचिता पर ज्यादा ध्यान देती है। और मुझे लगता है यदि यह सही कृत्य है तो ये अच्छा नहीं है नैतिकता के आधार पर, लेकिन जो टाइमिंग है, ये जो हुआ है, करने वाले भी कोई अच्छा कृत्य नहीं किए होंगे जिन लोगों ने ये काम इस समय में दिया है, उसके कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ और हानि है, और किसको लाभ हो रहा है, किसको हानि हो रही है, इससे ये जग जाहिर है, गुजरात के लोग समझते होंगे इसको। दिलीप जी, अब इसके एक तो एक पहलू यह है कि इसका राजनीतिक लाभ और राजनीतिक हानि किसे होगा, दूसरा पहलू यह है कि इसको अप्रिशिएट कैसे किया जा सकता है कि अब उसमें जो महिला या जो लड़की है, अब वो जिसको जिस तरीके से वायरल किया गया, अगर वो किसी सामान्य परिवार की अगर लड़की होगी तो उसके लिए भी तो आगे का जीवन काफ़ी मुश्किल होगा, अगर छिप करके किसी की फोटो उतारी गई या उसको फिल्म जैसे भी किया गया, तो ये आपको लगता है कि ये जो राजनीति का स्टैंडर्ड है ये सही नहीं है, इससे किसी के पर्सनल रूम में जा करके इस तरह के शूट करना या इस तरह की चीज़ें सामने आना, आपको एक स्टैंडर्ड आपको
कम से कम जो 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 एक मानक है, सामाजिक मानक, उस पर आपको खड़ा उतरना पड़ेगा अगर आप पब्लिक लाइफ में है तो। और अगर आप पब्लिक लाइफ में है और अगर वो चीज नहीं है तो आपके विरोधी जो है उसको लेके सवाल नहीं उठाएंगे या उसको लेके बवाल नहीं करेंगे या उसको लेके आपको नहीं घेरेंगे, तो ये भारतीय राजनीति के ठीक विपरीत काम होगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में एक नहीं दर्जन से ज्यादा ऐसे फेमस सीडी हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, अन्य दलों के हैं, एक नहीं मैं नाम गिन बहुत सारे हैं। तो कोई भी पार्टियां चूक नहीं करती है खास करके। और जब कोई भी नेता जो एक समाज को लीड करने की बात करता है, जो समाज को आगे ले जाने की बात करता है, कोई भी नेता अगर ये कहता है कि हम समाज को एक नए स्तर पे ले जाना चाहते हैं, तो उस नेता का अपना स्तर भी अच्छा होना चाहिए, एक बेंचमार्क होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हार्दिक पटेल के लिए कि उनका चरित्र मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं इसको उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उस पर मैं कोई सवाल, मेरा सवाल है कि जो आपका कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या कांग्रेस को फायदा होगा, मुझे लगता है कि आप इसको दूसरे, अगर इसमें सीडी में सब्सटेंस नहीं है या लोगों के बीच मीडिया में तो काफी सारा इसको डिफरेंट तरीके से दिखाया जा रहा है, लेकिन जो लोगों तक पहुंच रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो लोग इसको खुद जज कर पाएंगे कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। क्या एक युवा नेता जो अभी अभी सियासत के गलियारे में अभी वो घूम रहे हैं, कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा, लेकिन अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है तो उस सच्चाई के लिए अगर सिर्फ वो कहते हैं कि मैं युवा हूं, मैं नामर्द नहीं हूं, मैं नपुंसक नहीं हूं, तो आप ये आप थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप ये तो कह सकते हैं कि आपको समाज के लिए काम करना है, लेकिन आपको व्यक्तिगत चरित्र अगर आपका बेहतर नहीं है तो समाज को आप किस दिशा में ले जाएंगे, ये सवाल आपके विरोधी का अगर पूछता है तो बिल्कुल उसमें कोई कि उसमें किसी भी तरह का मुझे कोई खामी नजर नहीं आते है। लेकिन हाँ, मैं एक बात ये डेफिनेटली मानता हूं कि इसका फायदा और नुकसान बीजेपी को दोनों हो सकता है। अगर ये बात स्थापित होती है कि इस व्यक्ति जिनका नाम हार्दिक पटेल है, जो ये कह रहे हैं कि मैं नामर्द नहीं हूं, क्या वो मर्दानगी साबित करने के लिए अपने चरित्र को नीचे स्तर तक ले जाएंगे या ले जाते हैं या ले जा सकते हैं, तो फिर अगर ये बात लोगों में एक पैठ करती है तो लोग उसको दूसरे तरह से आकलन करेंगे। लेकिन उसी तरह से अगर ये आकलन होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक युवा नेता को साजिश करके, कंस्पिरेसी करके, उसको किसी के माध्यम से सीडी को ले जाके लोगों के बीच में चुनाव जीतना चाहती है, तो उसका बीजेपी को खामियाजा, क्योंकि लोग इतने लोग ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी कह देंगे और मान लेंगे। वो निर्णय करते हैं अपना। उपेंद्र जी, ये 21वीं सदी के भारत में ये यूथ में मुद्दा बनेगा या आपको लगता है इसका फायदा नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता? आप कहते हैं कि ये किसी के लिए भी बहुत ज्यादा असर नहीं डालेगा। देखिए, पाटीदार वहाँ उनका असर है, हार्दिक पटेल का पाटीदारों पर है। पाटीदार से बाहर उनकी कोई अपील नहीं है। पाटीदार है, एक ऑर्गेनाइज है वहाँ का, पॉलिटिकली बहुत ऑर्गेनाइज है, और हमें लगता है कि उसमें लोगों ने मूड बना लिया होगा। अलग अलग तरीके से वोट देते हैं पाटीदार भी, अब पहले जैसा नहीं रहा। जो एक ट्राइबल इंस्टिंक्ट होता है किसानों का, किसान जाति का, वो ट्राइबल इंस्टिंक्ट उसमें नहीं रहा, क्योंकि वो बिजनेस में भी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी हैं, उनके इंटरेस्ट जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो डाइवर्सिफाइड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गए हैं। वो सिर्फ फार्मर्स नहीं रहे हैं, तो उनका जो है कि इन्हें कहे कि एक तरफा वोट डालेंगे वो, तो उसमें कौन किसको वोट डालेंगे, हमें लगता है कि उन लोगों ने अभी तक मूड बना लिया होगा, क्योंकि वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कास्ट हैं। जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज जातियाँ नहीं रहती है, जिसकी कम संख्या होती है, वो फ्लोट करते हैं ज़्यादा, वो बहुत बाद में डिसाइड करते हैं किसको हराएं किसको जिताएं। कुछ लोकल फैक्टर होता है कि हमारे गांव का पाटीदार इसको वोट दे रहा है तो हम उसके खिलाफ वोट देंगे, या फला जीतेगा तो पाटीदार टोला मजबूत हो जाएगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो वो जो फ्लोटिंग वोट ये नहीं है, ये है जो बहुत कॉन्शस वोट है। तो हमें नहीं लगता है कि जो वोटिंग पैटर्न है, हाँ ये है कि पाटीदार के अंदर इनका जो नेतृत्व, इनका होल्ड है, वो कमज़ोर होगा। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा होगा, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, कि ये कांग्रेस को सपोर्ट करे, उसके पहले इसका जो नैतिक शक्ति है, नैतिक बल, इसका बहुत कमजोर कर दो, ताकि लोग कहे चलो इसके कहने पर हम क्यों वोट दें। तो असली है कि उनको पार्टीदारों के अंदर कमजोर करने की पॉलिटिक्स अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उनकी यही पॉलिटिक्स है। हमें नहीं लगता कि पाटीदार ऐसे लोग हैं जो किसी एक नेता के पीछे वोट डालने के लिए, हो सकता है आरक्षण के पक्ष में आंदोलन के लिए वो निकले तो लाखों लोग उनके साथ आ जाए, लेकिन वोट देने के लिए उनके पीछे आ जाए कोई जरूरी नहीं। इस बात को महेंद्र सिंह टिकाई समझते थे,
जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के नेता थे चौधरी चरण सिंह, तो उनको है कि मोबिलाइज करने के लिए किसानों को अराजनीतिक लिखना पड़ता था अपने झंडे पर, ताकि ये लोग नहीं समझे कि हम चौधरी चरण सिंह के ये हैं। तो उनके कहने पर टिकैत जानते थे कि मेरे कहने पर 2 लाख किसान दिल्ली में डाल देगा डेरा, लेकिन मेरे कहने पर 2000 जाट है जो वोट नहीं डालेगा चरण सिंह की पार्टी के खिलाफ। तो वो वोट डालना अलग होता है, किसी इशू के लिए आपके साथ होना अलग होता है। तो हमें नहीं लगता कि जो पाटीदार हैं उन लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया होगा या ये कोई गरेड़ियाँ हैं, ये माफ कीजिए कोई किसी जाति के प्रति हमारा नहीं है, लेकिन ये होता नहीं गरेड़िया इधर ले जाएगा उधर भेड़ जाएंगे। तो हमें नहीं लगता है कि हार्दिक पटेल गरेड़िया है और सारे जो पाटीदार हैं वो भेड़ है कि इधर हार्दिक पटेल जाएंगे उधर जाएंगे। उस तरह से अगर कांग्रेस पार्टी के नेता सोचते हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता सोचते हैं तो हमें लगता है गलत सोचते हैं। एक एक छोटा सवाल फिर मैं आखिर दो मेहमानों के साथ छोटी छोटी लेंगे। ये चूंकि हार्दिक पटेल ने पहले 10 दिन पहले 20 दिन पहले कहा था कि हमारे खिलाफ एक से एक सीडी आ सकती है, तो अब जो चूंकि सीडी आ गई तो क्या ये बयान देकर के उन्होंने इसके असर को इसका असर कुछ कम होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने आप को एक विक्टिम प्ले कर दिया था, तो पहले दिए गए बयान का इस अब चूंकि सीडी रिलीज हुई है तो उस पर असर पड़ेगा क्या? देखिए ये दोनों बातें हैं, अगर वो वास्तव में सीडी में है उनको पता चल गया होगा कि हमारा हमें स्टिंग कर लिया गया है तो उनको डर लग रहा होगा, या किसी ने फैब्रिकेट किया होगा सीडी, अगर कोई तब भी हो सकता है इनको लग होगा कि फैब्रिकेशन हो रहा है और कोई सीडी इनके पास भेज करके उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने हार्दिक ने कहा है कि मैं मर्द हूँ नपुंसक नहीं, जो करना होगा सीना ठोक के करूंगा। उन्होंने इस गंदी राजनीतिक ऐसे करार दिया, बोला जो सेक्स सीडी सामने आए वह फेक है, वह वीडियो फर्जी है और बीजेपी की गंदी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। बीजेपी मेरी निजी जिंदगी पर निशाना साधा है, बीजेपी में इस तरह के कारनामे करने वाले कई लोग हैं, मैं अब उनकी भी सीडी लेके आऊंगा। इसके दो पहलू हैं, अगर आप कह रहे हैं फेक है फर्जी है तो यू शुड हैव इमीडिएटली गॉन टू पुलिस स्टेशन। आपको आपको और अगर आपको पता था तो दिक्कत ये है कि बीजेपी की सरकार है। मैं नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ चलिए सरकार बीजेपी की तो नहीं है वहाँ पे नगर वाले बीजेपी को ब्लैकमेल कर और रहे हैं, तो फिर ये और अगर और आज के दिन में फेक फर्जी वीडियो को इतने सारे लोग हैं जिसकी की पुष्टि आप कहीं से भी लैब में जाके करके आप उसको कर सकते हैं, तो मुझे लगता है लेकिन उस वहां तक वो नहीं रुकते हैं, वो रुकते हैं कि आपके आपने भी किया मैं आपका भी लेके आऊंगा। तो मैं बोलता हो सकता है कि सच हो सकता है कि जेन्युइन सीडी ही हो, क्योंकि वो नहीं मैं कह रहा हूँ जेन्युइन हो, लेकिन अगर जेन्युइन नहीं है फेक है आप कह रहे हैं तो आपको तो कार्रवाई करना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए, बल्कि उसी समय पुलिस में जाना चाहिए था जब बोल रहे थे कि हमारे खिलाफ आ सकता है। कम से कम चुनाव आयोग में जाके आपको कि या जो भी वहां लॉन्च करवाते बाद में कार्रवाई पुलिस करते न करती एफआईआर करते कि फला फला आदमी हमको ब्लैकमेल कर रहा है कि सीडी हम जारी कर देंगे। आज भी इस तरह के मामले पुलिस के सामने आते हैं, अगर कोई सीडी लेकर ब्लैकमेल करता है तो लोग पुलिस में जाते हैं और पुलिस कार्रवाई भी करती है और पकड़े भी जाते हैं ब्लैकमेल करने वाले, तो वो गए नहीं उस समय, तो इसलिए ज्यादा उम्मीद रही है कि जेन्युइन सीडी है, ये तो मैं भी मानता हूं, लेकिन जब पक्का हम चूंकि फॉरेंसिक लेबोरेटरी नहीं है तो हम उस तरह से हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ज्यादा हमें भी उम्मीद लग रही है। उपेन जी यहाँ यहाँ पे मैं एक और इन्फॉर्मेशन दूं, जब ये राहुल गांधी से जिस होटल में मिले थे तब भी ये एक ही चीज डिनाई किए थे कि मैं होटल में तो था लेकिन मिला नहीं हूँ। उनको पूछा गया था होटल का पैसा कौन भर रहा है, वो कह रहा है कि कोई अशोक गहलोत भर रहा है, ये भर रहा है, वो भर रहा है। तो हार्दिक पटेल का ये एक मैं कहता हूँ कि स्ट्रेटेजी है कि ये घटना को पहले तो डिनाई कर देते हैं, उसके बाद जब घटना में थोड़ी ज्यादा छानबीन शुरू हो जाती है तो वो धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो दिलीप जी बोल रहे थे कि वो डिनाइंग कर रहे हैं लेकिन वो पुलिस में नहीं जा रहे हैं और डिनाई कर रहे हैं और बोल रहे हम भी सीडी निकलेंगे, तो बात है कि अगर उनको लगता है कि ये डॉक्टर्ड सीडी है, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात तो बात नहीं, नहीं हार्दिक पटेल का ये एक टेंडेंसी है कि पहले वो डिनाई कर देते हैं उस होटल में हम थे लेकिन राहुल गांधी से मैं मीट किया नहीं, उसके बाद उसका पैसा भर रहा है अशोक गहलोत जो कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है, तो ये सारा चीज प्रमाण करता है कि हार्दिक पटेल अब जब उनका उनका एक होटल में रहे होंगे कांग्रेस ने होटल बुक किया होगा लेकिन नहीं मिले होंगे। उपेन जी बात वो नहीं है, बात ये कि जब कोई अपने आप को कोई अपने आप फायदा होगा भास्कर जी आपको इसका, हाँ हाँ आपको फायदा होगा इसका। देखिए फायदा और नुकसान की बात नहीं है, बात यह है कि फायदा कांग्रेस का भी हो सकती है कि कांग्रेस के साथ वो बार्गेनिंग कर रहे थे, अगर उनका उनका बार्गेनिंग पावर इससे घट जाए तो कांग्रेस का भी फायदा हो सकता है।
आप बीजेपी का फायदा बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस का फायदा हो रहा है। वो कांग्रेस से बार्गेनिंग कर रहा था, इसके बाद बार्गेनिंग पावर उसके घट जाएंगे, शायद कांग्रेस वो अपना लपेट पे लाए और उसका राजनीतिक फायदा उठाए। तो आप ये कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से फायदा और नहीं फायदा की बात है। आज के दिन में अगर ये रिलीज हुआ है तो हार्दिक पटेल को ये आकर बोलना चाहिए कि मैं ये उस वीडियो मेरे लिए है या नहीं है, तो उसका खंडन करना चाहिए। वो खंडन तो नहीं कर रहे, उसके ऊपर आरोप लगा रहे कि बीजेपी के पास भी ऐसा लीडर के, मेरा पास भी ऐसा डॉक्टर सीडी है। दो बात जो आपने कहा कि अगर उनको पता था कि सीडी लीक होने वाली है तो वो जाके FIR क्यों नहीं किया, वो जाके अदालत में एक एप्लीकेशन क्यों, कंप्लेंट केस क्यों नहीं किया। तो वो सारा चीज बयान जो कर रहे हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं और हर चीज के साथ वो चुनावी मुद्दा जोड़ रहे हैं, जो हम देखते हैं कि चुनावी मुद्दा वो खुद बना रहे हैं इसको। वो चुनाव आज बीजेपी चुनाव मुद्दा नहीं बना रहे, बीजेपी का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी प्रवक्ता तो अभी तक इसके बारे में कोई भी बयान नहीं दिया है जी। आप कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस ने जारी किया, ये कह रहे हैं आप, ये लबोलवाब आपकी बात नहीं। अगर नहीं, अगर आप संभावना की बात करते हैं कि इसमें राजनीतिक लाभ है तो मैं देखता हूं तो राजनीतिक लाभ कांग्रेस का भी हो सकता है कि कांग्रेस के साथ बार्गेनिंग कर रहा था राहुल गांधी के साथ, उनका अभी तक जमा नहीं बार्गेनिंग। अगर इससे बार्गेनिंग पावर उसे घट जाए तो कांग्रेस का फायदा हो जाएगा। कांग्रेस करवा रही है, नहीं कांग्रेस फायदा की बात वो कर रहे हैं तो मैं फायदा तो कांग्रेस की हो सकता है। ये आशंका तो जाहिर कर रहे हैं ना, इसका मैंने मतलब आपको अदर साइड ऑफ कॉइन दिखा दिया आपकी बात, ये बीजेपी का फायदा से ज्यादा कांग्रेस का फायदा है। ये साजिश, लेकिन साजिश तो हो रही है बीजेपी के साथ। पटीदार यार हार्दिक पटेल का कोई भी बार्गेनिंग नहीं चल रहा था, बार्गेनिंग चल रहा था कांग्रेस से, जिग्नेश अल्पेश और हार्दिक पटेल से कांग्रेस बार्गेनिंग कर रहा था, क्योंकि उनका डेस्परेट एक अटेम्प्ट है कि गुजरात में हम कुछ दिखाए, इस बार जीत तो नहीं पाएंगे कुछ दिखाए, क्योंकि अभी का जो ओपिनियन पोल है वो कांग्रेस के लिए बहुत ही हताशाजनक है। तो ये कांग्रेस का एडवांटेज होगा, बीजेपी तो जीत ही रहा है, 154-160 के अंदर बीजेपी का ओपिनियन पोल है वहाँ पे। लास्ट कमेंट आपका अजय जी, अब ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें बार्गेनिंग पावर घटी है हार्दिक की, तो कांग्रेस भी करा सकती है, लब बोलो आप उनकी बातों का ही निकला। अगर बीजेपी कांग्रेस आपस में ये टॉस करते रहे किसने ये स्टिंग जारी किया, किसने ये सीडी बाहर लाई, आपको लगता है कि इससे जो जितना नुकसान हार्दिक को इंडिविजुअल लेवल पे होना चाहिए था वो नहीं होगा, एक सिंपैथी भी मिल जाएगी कि बीजेपी कांग्रेस मिल करके उनके करेक्टर को मलाइन करने की, उनको जानबूझ करके उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक मैसेज भी जा सकता है। देखिए मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, चुनाव के टाइम जब इस तरह के आप सीडी कांड करते हैं तो जनता जो है सामान्य तौर पे अभी तक का, जैसे छत्तीसगढ़ में मैंने एक दो जगह ऐसी चुनाव के दौरान देखी, मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में देखा, जब भी आप इस तरह का कोई सीडी लाते हैं जो लाने वाला होता है, जनता में जनमानस में भावना क्लियर रहती है कि किसको इसका लाभ हो रहा था और कौन ये लाया है, और जब ये बातें प्रचारित होती है तो उस पर्टिकुलर पार्टी को कहीं ना कहीं इसका लाभ होने के बजाय, हालांकि वो करते हैं लाभ के लिए, लेकिन अंततः उनको हानि होती है, क्योंकि सामान्य जनमानस जो इस देश में है, जो आम लोग हैं, जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है लेकिन वो जागरूक मतदाता और जागरूक नागरिक हैं, उन्हें इतनी समझ होती है कि आप 11th आवर में चुनाव के समय में इस तरह किसी के कैरेक्टर को आप मेलाइन करना चाहते हैं, और साम दाम दंड भेद तो जायज है राजनीति में, लेकिन राजनीति के स्तर को आप इतने नीचे गिराते हैं तो जनता कहीं ना कहीं उस मामले में आपको प्रतिक्रियावादी होती है, प्रतिक्रिया देती है इस सेंस में कि ऐसे काम उचित नहीं है, वो भी मौलिक और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध होता है इस तरह और इस समय पर। टाइमिंग जो इस सीडी का है, लकी बड़ा टाइमिंग, कांग्रेस से जब उनका जो बार्गेनिंग वो हो नहीं पाया तब ये सीडी निकल रहा है। मैं वही टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, अगर बीजेपी ने सीडी निकाला होगा तो बहुत पहले निकला था। जो टाइमिंग है, कांग्रेस से 2-3 दिन पहले उनके साथ कांग्रेस का बार्गेनिंग बैठा नहीं है और आज वो सीडी निकल गया। टाइमिंग देखिए अजय जी, निश्चित तौर पे टाइमिंग देखिए अजय जी, निश्चित तौर पे आपके बड़ा हास्यास्पद है, हो नहीं पाया और सीडी बाजार में निकल गया। भास्कर जी May 16 का है, 16 मई का जी, मेरे मुझे बोलने देंगे तब का पहले ही निकालता, इतना तक क्यों वेट करता। भास्कर जी विक्टिम जो है खुद ही कह रहा है कि भाजपा ने ऐसा काम किया है, विक्टिम तो कहेगा ही ना, जिसको गोली लगी, जिसको गोली लगी वो खुद प्रत्यक्ष हो रही है, जो है वोटिंग होनी है उससे पहले और कितने
कांड सामने आते हैं, वो सीडी के जरिए हो या किसी और माध्यम के जरिए, और जनता सब देख रही है वो किस तरीके से जज करती है, उसका निर्णय क्या होता है, तो 18 तारीख दिसंबर को पता लगेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बात करेंगे फिल्म पद्मावती की। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे आज के दूसरे विषय की। दूसरा विषय जुड़ा हुआ है फिल्म पद्मावती से। फिल्म पद्मावती एक फिल्म है, लेकिन इसको लेकर के राजनीति लगातार, जब से फिल्म की शूटिंग चल रही है तब से ही लगातार हो रही है। एक पक्ष लगातार ये कह रहा है कि वो इस फिल्म को बिना देखे रिलीज नहीं होने देगा। राजस्थान में भी कुछ जगहों पर, आज थिएटर पर भी करणी सेना की तरफ से हमले किए गए, फिल्म के पोस्टर फाड़े गए। इसके अलावा इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार की जा रही है। महाराष्ट्र और गुजरात में बीजेपी की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग इस फिल्म पर चुनाव तक रोक लगाए, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से मना कर दिया गया। इसको लेकर के दीपिका पादुकोण की तरफ से भी कहा गया कि इसको, इस फिल्म को जो है किसी भी हाल में हम रिलीज कराएंगे, और ये भी कहा गया कि हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रही है हमारी सोसाइटी। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से भी काफ़ी तीखी टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि पढ़ी लिखी नहीं है दीपिका। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी नागरिकता चेक करनी चाहिए। इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी कई सारे इस पर विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा इसकी फंडिंग जो है वो बाहर से हो रही है, दुबई में कुछ लोग भारतीय इतिहास को बदलना चाहते हैं। इन तमाम पहलुओं को लेकर के क्या हम फिल्म को लेकर के इतने सेंसिटिव क्यों जाते हैं, एक फिल्म को सिर्फ फिल्म की तरह क्यों नहीं देखते हैं, तमाम सारे पहलू हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। दिलीप जी, ये पहला मौका नहीं है, बहुत सारे मौक़ों पर हमने देखा है कि फिल्म पर राजनीति समय समय पर होती आई है। वो फिल्म आंधी रही हो उस जमाने में, या फिर आज के समय में भी कुछ दिन पहले ही जो फिल्म आई थी मधुर भंडारकर की, उसको लेकर के जिस तरह का विवाद हुआ था, और अब इतिहास को लेकर के तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं, एक एक व्यक्ति एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, 3-4 साल 5 साल अपने लगाता है, क्या इस तरीके से कुछ लोग अगर इकट्ठा होकर उसे रोकें, कितना सही जायज मानते हैं आप? देखिए, इसके 2-3 अलग अलग अगर पृष्ठभूमि में जाए, कुछ लोग तो इसमें पैसे दे करके विवाद खड़ा करते हैं, उसके लिए खर्च करते हैं, उसके लिए इस तरह के विरोध को करवाते हैं, तो बहुत बार ये पब्लिसिटी स्टंट भी रहा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे भी पब्लिसिटी स्टंट के लिए या पब्लिसिटी के लिए भंसाली साहब ने खर्च किए हैं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी तो पैसे लेकर के तो नहीं, मैं दूसरा चीज कह रहा हूँ। कुछ ऐसे, मैंने ये नहीं कह संजय भंसाली, मैं कह रहा हूँ कि कई जगहों पे इसकी खबरें हैं, लोगों के पास पुख्ता इसके बारे में जानकारी थी, खबरें भी आई है, लोग करते भी हैं, और उसे पब्लिसिटी मिली भी है, और फिल्म चली भी है, हिट भी हुई है। एक दूसरा पक्ष होता है, जब आप ऐतिहासिक किसी कैरेक्टर पे फिल्म बनाते हैं तो उसमें तथ्यात्मक अगर गलतियां होती है, तो लोग, जो लोग उससे जुड़े होते हैं, बुद्धिजीवी भी या कोई इतिहासकार भी या अदरवाइज भी, उसका लोग विरोध करते हैं कि तथ्य रूप से फैक्चुअली ये चीजें ठीक तरीके से नहीं रखी गई है। इसके अलावा जो एक चीज है कि आप वाकई क्या एक इंटेंशन आपका होता है कि किसी चीज को अपने फिल्म बनाने के, जिसको आर्टिस्टिक फ्रीडम कहते हैं आप, उस फ्रीडम का फायदा उठाते हुए क्या आप वाकई किसी चीज को गलत चित्रण करते हैं, क्या उस गलत चित्रण से गलत मैसेज जाता है, और अगर ऐसी चीजें हैं तो क्या उसका समर्थन किया जाना चाहिए, उसका विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि विरोध से पहले, ये जो विरोध जिसकी शुरुआत हुई है, जब फिल्म बनी नहीं थी, फिल्म की शूट हो रही थी, तब से ये विरोध चल रहा है, और तब फिल्म बनी भी नहीं थी, तो मुझे लगता है इसको, इसका कैंपेन जो है, अभियान जो है, पब्लिसिटी जो है, इसका बहुत बढ़िया डिजाइन है, फिल्म से बढ़िया डिजाइन पब्लिसिटी डिजाइन है अब तक, क्योंकि जब फिल्म नहीं बनी तब से आप इसका विरोध कर रहे हैं, तब से ये चीजें हो रही है। आज दीपिका पादुकोण कह रही है कि कोई इसको रोक नहीं सकता है, सेंसर बोर्ड इसके लिए है, प्रॉपर चैनल है, एक कोई करनी सेना है जो अपने आप को ठेकेदार बनाए बैठे हैं, कब से विरोध कर रहे हैं पता नहीं, उनकी मंशा क्या है,
हैव दे बीन पेड फॉर इट, आर दे रियली कंसर्न अबाउट इट. तो मुझे लगता है कि इसके जितने पक्ष हैं उसमें अभी भी सुब्रमण्यम स्वामी, तो खैर विवादों में उनकी अपनी दिलचस्पी रहती है, विवाद जहां पे भी होता है वहां सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे ही पहुंच सकते हैं. इसलिए मैं उनको अभी उनके चीजों को मैंने पूरी तरह से नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कुल मिलाकर के दीपिका का अगर कोई आदमी विरोध कर रहा है, फिल्म की वो कलाकार है, एक लीड रोल में है, वो कहती है इसको कोई नहीं रोक सकता है, तो वो क्या अथॉरिटी है कि इसको कौन चलने देगा कौन नहीं चलने देगा, उनका किस अथॉरिटी से वो बोल रही, तो कई सारे पक्ष. तो मुझे लगता है इसमें कुल मिलाकर के मैं जिस चीज को व्हाट आई कैन स्मेल, ये पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा है, बाकी चीजें इसमें कम है. एक चीज मुझे, लेकिन आपने ऐतिहासिक पहलू का जिक्र किया, हम बाकी मेहमानों के पास जा रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि इतिहास भी तो आप कैसे डिसाइड करेंगे. हर व्यक्ति इतिहास को अलग नजरिए से देख रहा है, आला उधल से लेकर तमाम सारी कहानियां भी हैं, कृदंतियां भी हैं, हर व्यक्ति इतिहास की बहुत सारी किताबें भी हैं, हर किताब में अलग अलग एंगल भी हैं. कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं पद्मावती थी ही नहीं, अब जावेद अख्तर से लेकर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अगर जायश्री को छोड़ दिया जाए उससे पहले जिक्र ही नहीं मिलता है पद्मावती का, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें देवी मानते हैं. मैं नहीं, जब मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सेंसर बोर्ड है, अथॉरिटी है, अगर उनको लगता है कहीं से भी, तो उसके लिए इतिहास है. अच्छा, कहानियां अलग है, इतिहासकार अलग हैं, जो इतिहासकार हैं वो बता सकते हैं कि ये ऐसी चीजें कौन सी चीजें कितनी कितने हद तक सच है या गलत है. लेकिन आप एक सेना बना लें, सेना अपने आप इतिहासकार बन जाए, और इतिहासकार बनने के बाद वो तलवार उठा लें और फिर वो कहें कि देखिए मैं ये चलने नहीं दूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र में ऐसे किसी सेनाओं को या इस तरह के एलिमेंट को प्रमोट किया जाना चाहिए, सपोर्ट किया जाना चाहिए. और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी इसमें से, आप देखिए कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों के तरफ से, गोहिल साहब हैं गुजरात में, उनको लगता है चुनाव है, वो भी कूद गए हैं कि इस पे बैन लगना चाहिए, इस पे रोक लगनी चाहिए. बीजेपी की तरफ से पहले से क्या कहा जा रहा है. तो सवाल है कि फिल्म से विवाद, विवाद से व्यापार, व्यापार से चुनाव, चुनाव से वोट, वोट से मतदान, और वहां से पावर पॉलिटिक्स जो है, ये कई चीजें मिल गई है. ये खिचड़ी जो है ये किस तरह की है, ये इस वक्त इसका, जब तक आप पूरे तरीके से फिल्म, संजय भंसाली लगातार कह रहे हैं कि इसका कोई हमने आप पहले देख लें उसके बाद आप उस पर निर्णय करें, तो अब इस तरह के अब हर आदमी कभी कोई फिल्म बने तो बोले कि पहले आप हमें दिखाइए, तो सेंसर बोर्ड को आप ये करके बोलिए कि फिल्म बनाने से पहले सोसाइटी के लोगों को इनवाइट करके पहले फिल्म दिखाइए, उसके बाद करोड़ों रुपए लगाए वो मुफ्त में अगर फिल्म दिखाने लगा तो उसकी कमाई क्या होगी. ये अजीब हो, ये अजीब स्थिति है जी उपेंद्र. ये एक निश्चित रूप से फिल्म को फायदा होता है इस तरह की, भाई किसी भी तरह की पब्लिसिटी होती है. लेकिन ये जब संकट होता है, एक व्यक्ति के पैसे भी लगे हैं, मेहनत भी लगी है, एक लंबा समय 3-4 साल का लगता है, तो ये किस तरीके से आप लाठी डंडे से सिनेमा हॉल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, किसी भी वो जिस भी जो भी नाम दे दीजिए, किसी भी सेना का नाम देकर के तथाकथित रूप से फिल्मकार हैं, वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं. मुगले आजम बना, मुगले आजम में मान सिंह को अकबर का साला बतला दिया, लेकिन हिस्टोरिकली अकबर के साला नहीं है. तो फिल्मों को हम इतना गंभीरता से लेते हैं, गंभीरता से नहीं, लोग इसको मान लेते. अगर अभी आप किसी एक आम आदमी से, स्टूडेंट से भी कहिए कि उसका नहीं था तो लड़ जाएगा, कहेगा कि मुगले आजम में तो यही था. वो फिल्म लेना नहीं चाहिए, हमारी व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन तो लेकिन मनोरंजन के लिए मीडिया किस तरह से जा रहा है, एक नया इतिहास क्रिएट कर दिया जाता है. जो मास मीडिया, उसका जो इम्पैक्ट है, कितने लोग क्लास में पढ़ने के लिए जाते हैं, कितने लोग में लिटरेसी है, कितने लोग इतिहास पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वो कितना नंबर लाते हैं, 30-35 नंबर लाते हैं, मतलब कि 70% लोग पढ़ के भी नहीं पढ़ते हैं. तो ये जो उसका जो मास मीडिया का जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसका जो एजुकेटिव वैल्यू भी है, सिर्फ इंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं है. अगर आप बोलते सिर्फ इंटरटेनमेंट वैल्यू है, उसका एजुकेशनल वैल्यू भी है. तो इतिहास को तो पहली बात है कि तोड़ मरोड़ कर पेश करने की इजाजत किसी भी फिल्म मेकर को इंटरटेनमेंट के नाम पर नहीं दी. अब इसमें एक सवाल है, मेरा एक छोटा सा सवाल है. अब जोधा बाई का कोई एग्जिस्टेंस कई जगहों पर नहीं मिलता है. नहीं नहीं है, लेकिन कई जगहों पर नहीं, बहुत लोग मना करते हैं. नहीं, जोधा बाई उनकी पत्नी है, अकबर काल में. अकबर जहांगीर की पत्नी का नाम जोधा बाई था. अकबर अकबर के साथ अकबर की जो पत्नी थी वो आमेर बाई थी जी, वही मैं कह रहा हूँ. जोधा बाई नहीं, जोधा बाई भी थी, लेकिन जोधा बाई अकबर की पत्नी नहीं, पुतोह थी. ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है. मतलब जहांगीर की जो पत्नी है उसको आपने जहांगीर की माँ बना के पेश कर दिया. वो जोधा की जो बाई है उससे शादी हुई थी जहांगीर की, और उसी का बेटा है शाहजहां. तो वो शाहजहां का की माँ. हरका बाई तो ये है.
ये जो जोधा भाई, इसको आपने बोला हल्का भाई, बोर्ड है, इतिहासकार को बुलाए, अगर उसमें कोई खामी है उसको ठीक करे। लेकिन ये सेना बना करके आप अगर हमला करने लगे, उसमें सियासी दल उसमें शामिल हो जाए। दूसरी बात है पद्मावती की, जहाँ बात है पद्मावती हिस्टोरिकल फिगर भी नहीं है, लेकिन एक लीजेंड है, लीजेंडरी फिगर है, हो सकता है कि हिस्टोरिकल नहीं। और पद्मावती जो है, मेरा सवाल है, भारत का जो इतिहास का हिस्सा नहीं होते हुए भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गई है। मैं कहता हूँ, चलिए मैं मानता हूँ कि भारतीय इतिहास नहीं संस्कृति का हिस्सा है, इसके लिए क्या इस तरह की सेना को खुली छूट रहनी चाहिए कि वो निर्णय करे कि कौन सा फिल्म मिलनी चाहिए। वो गलत है, लेकिन फिल्मकारों को भी तो देखना चाहिए ना। तो इसके लिए सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड शुड डिसाइड, व्हाई शुड पीपल बी अलाउड टू डिसाइड। नहीं किया ऐसा ही, बाजीराव मस्तानी बनी, मस्तानी को क्या होता है, आप बोर्ड बनाइए उस तरह का ना जो पढ़े लिखे लोगों का भी हो। अगर आपको लगता है कि बोर्ड इतने इनकैपेबल है, सेंसर बोर्ड भी गड़बड़ी कर रहा है, मैं वही कह रहा हूं, तो बोर्ड आप भी गवर्नमेंट जिनसे बोर्ड एक से मेरा छोड़ दो, नहीं नहीं सेंसर बोर्ड वाला बोर्ड बोले के सवाल किया, ये मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का बताया जाता है कि ये फिल्म पे यहाँ यहाँ से साक्ष्य लिए गए हैं। अगर ऐतिहासिक फिल्म है, अगर कोई जीवित और मृत्यु से संबंध नहीं है तो भी लिखा रहता है। फिल्म देखने वाला डिस्क्लेमर पर नजर नहीं देता है, नहीं देता। जब यहाँ पर लिखा जाता है कि सिगरेट पीने से आपको कैंसर हो सकता है, फिर लोग सिगरेट पी रहा है, तो क्या पता डिस्क्लेमर को लोग कोई देखेगा वो असली है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। इसे बाजीराव मस्तानी है, उसे मस्तानी का कैरेक्टर बना दिया गया और मस्तानी का खाना आपके यहाँ ठीक से आपके सेंसर बोर्ड है, आपके यहाँ कोर्ट है, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप सेंसर बोर्ड जा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं करके, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं काम कर रहा सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जहां तक कोर्ट की बात है, तो कोर्ट के अपना लिमिटेशंस है, वो लीगलिटी को देखता है, इसलिए कोर्ट ने तो भला कर दिया, कोर्ट ने कहा जब तक भाई सेंसर बोर्ड इसको पास नहीं तो करता, सेंसर बोर्ड अभी पास भी नहीं किया, तो तब तक हम इस में इंटरफेयर नहीं करते। ये पूरा हंगामा और उसमें सियासी दलों का इतना सहयोग क्यों है, सवाल तो ये, सियासी दलों का सहयोग हो या न हो मैं उस पर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये फिल्म मेकर जो है डिसिप्लिन किया जाना जरूरी है, ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करे, जो हमारे लीजेंडरी फिगर है, लीजेंडरी पर्सनालिटी मानता हूँ, लीजेंड को चेंज करने का किसी को अधिकार नहीं है। अब अगर राम दशरथ के बेटे हैं तो कुछ बनाते हैं तो दशरथ के बेटे के रूप में ही पेश कीजिए, ना कि दशरथ के पिता बना दीजिए राम को, ये इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ठीक ठीक अजय जी, देखिए जो ये पूरा विवाद है, ये विवाद दो बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला बिंदु है अभिव्यक्ति की आजादी और दूसरा है आस्था का प्रश्न। हम जो जिस विवाद को अभी देख रहे हैं, ये विवाद इस देश में लगातार चल रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी को किस तरह से रोका जाए और दूसरा आस्था के प्रश्न पर हम किस तरह अपने को खड़ा रखें। जहां तक पूरे फिल्म मेकर की और सारी चीजें हैं, इसमें जो चर्चाएं अभी अपने की, इन चर्चाओं में ये जरूर है कि जो भी फिल्म मेकर हैं उनकी आजादी अपनी है, उनको बनाना चाहिए, इंटरटेनमेंट का भी ये साधन है, लेकिन साथ साथ ये समाज को एक फिल्म जो है दर्पण भी है समाज के युवाओं के लिए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यदि आप ऐतिहासिक फिल्म बना रहे हैं तो उस इतिहास का भी ख्याल आपको रखना चाहिए, जिससे कि इतिहास की जो चीजें हैं वो गलत ढंग से इंटरप्रेट और समाज को गलत ढंग से उसके दिशा न मिले, पहला। दूसरी बात है, जिस तरह से कर्णी सेना और कौरवी सेना और कोई कोई सेनाएं, कभी गौ सेना, कई सेनाएं आ जा रही हैं इस देश में अचानक उठ करके, और उसे बिना अभी फिल्म देखा नहीं किसी ने, फिल्म में क्या है इसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन सेनाएं खड़ी हैं और उस सेनाओं पर सामाजिक और राजनीतिक लोग जो है विवाद कर रहे हैं। हम भी यहाँ मीडिया में बुद्धिजीवी होकर उसकी चर्चा सभी चैनलों पर आजकल हो रही है। तो मैं दिलीप जी से इस मामले में सहमत हूं कि हो सकता है कि एक साजिश है, पब्लिसिटी स्टैंड भी है, पहला। लेकिन जहां तक इतिहास का सवाल है, ठीक है कि जैसी और पद्मावत की बात है ये, लेकिन चित्तौड़गढ़ का, चूंकि उस किले में मैं भी गया हूं और वहां के लोगों के बारे में मेरी व्यक्तिगत कई लोगों से मुलाकात हुई है, आज भी वहां पद्मिनी करके एक महारानी होती थी और उन्होंने जो है जौहर किया था अपने 1600 लाड़ियों के साथ, जो कहानियां वहां के लोगों में प्रचलित है। तो कहीं ना कहीं पद्मावती का जो संबंध है उस आस्था से है, बेशक वो ऐतिहासिक ना हो, और यदि आस्था से भी है तो फिल्म मेकर का दायित्व बनता है कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ न करे। यदि इस तरह की कोई बात पद्मावती में है जिसमें खिलजी के साथ प्रेम संबंध दिखाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अस्वीकार कर दिया, नहीं कहीं ना कहीं, हाँ यदि अस्वीकार कर दिया तो कर्णी सेना उसके बाद भी चिल्ला रही है, तो यहाँ
मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं शक जाता है कि ये पब्लिसिटी स्टैंड है, फिल्म मेकर का भी कहीं ना कहीं इसमें इनडायरेक्टली रोल हो सकता है। चलिए लास्ट कमेंट इस पर, जो सियासत हो रही है, चूंकि आप सियासत से जुड़े हुए हैं भास्कर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। चुनाव आयोग के पास आप चले गए, आपने कहा कि नहीं इसके गुजरात इलेक्शन तक इसको रोक दीजिए, ये इससे क्या चुनाव से मतलब है? आप लोग कह रहे हैं कि नहीं इस फिल्म पर, कुछ लोग बैन लगाने की भी आपकी पार्टी से बात कर रहे हैं, एक फिल्म का इतना बड़ा इंपैक्ट होगा कि आप चुनाव तक चाहते हैं कि इस पर रोक लगे? विपुल जी, आप इतिहास, अगर इतिहास का पन्ने उलट के देखें, गुजरात दंगे को लेकर कई फिल्म बने थे और इसका इफेक्ट उसके बाद बहुत भयानक हो गया था। आज इस देश में जो 40 से 50 हजार दंगे हुए हैं और जो भी दंगे लेकर फिल्म बने हुए हैं, शायद उस कुछ फिल्म को अवार्ड मिला था, ये विदेश से बहुत कुछ, लेकिन सामाजिक स्तर पर इसका जो इफेक्ट है वो बहुत खतरनाक। तो आप कह रहे हैं कि रियल घटनाओं पे फिल्म नहीं बननी चाहिए? मैं पॉइंट में आ रहा हूँ। तो एक दंगे जो है, इसका एक सामाजिक और मानसिक तौर पर और अपना धर्म के तौर पर बहुत एक गहरा इफेक्ट हो जाता है और उसको कभी कभी उसके लिए बहुत बहुत बड़ा क्षति पहुंचता है। तो आप कोई भी फिल्म मेकर अगर इतिहास लेकर फिल्म करें तो उनको दो तीन चीज को ध्यान रखना चाहिए। तो आप मॉनिटरिंग तो कर रहे हैं ना संसद बोर्ड के जरिए, सरकार मॉनिटर तो कर रही है ना? जहां से ये फिल्म बन रहा है, देखिए सरकार सरकार और अपना बोर्ड वगैरह अलग बात है, आम आदमी क्या सोचता है? अगर वहां पे किसी का अस्मिता का सवाल आ जाता है, किसी का अपना अपना तो इसी को बचाने के लिए आपने सवाल रखा हुआ है, अस्मिता बचाने के लिए हाथ वहाँ पे, अगर फिल्म कोई ना कोई जगह गलत ढंग से उसको पेश होता है तो उनके लिए लोकल जो मानसिकता भड़क जाती है तो उनको देखने का जिम्मेदारी राजनीतिक दल का होता है, उसका देखने का जिम्मेदारी राजनीतिक दल का होता है। और ये आज बीजेपी जो इलेक्शन कमीशन की, आज गुजरात भी एक समय दंगा पीड़ित थे जी। और वहां पे हिंदू मुस्लिम राइट बहुत खतरनाक एक मोड़ लिया था जी। आज वो जो दिखा रहे कि अलाउद्दीन खिलजी एक मुसलमान से ये नवाब होने के बावजूद भी एक हिंदू नारी के साथ वो संबंध जोड़े, ये जो एक कहां क्या किसने देख लिया, कहां आपने देखी फिल्म? फिल्म रिलीज नहीं हुई है, किसी को पता नहीं है, मीडिया में चर्चा हो रही है, ये जो आ रहा है दूसरों की, भाई फिल्म के डायरेक्टर से आप बात कर सकते हैं। सरकार जो कर रही है, ये भाजपा जो कर रही है, इलेक्शन कमीशन के ये वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर इससे और कोई कम्युनल एक एंगल पैदा हो जाता है, वो ना पैदा हो इसलिए आप उसके लिए बंदोबस्त व्यवस्था लीजिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो चीज एक्चुअली हुआ था जी। उसके दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? लोकतंत्र में हमें आजादी है बहुत तरह की, लेकिन आजादी की सीमाएं भी, बिल्कुल, जहां फिल्म बनाने वालों की आजादी है वहां उनके लिए भी कुछ सीमाएं तय हैं, जहां विरोध करने की आजादी है उनकी भी सीमाएं तय हैं, वो हिंसा नहीं कर सकते, विरोध कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन इस बीच में जब सियासी दल कूद जाते हैं तो चीजें बड़ी गंभीर हो जाती हैं, फिर ये नहीं पता चलता है कि इसका असली मकसद क्या है। और जब फिल्म की हीरोइन, मुझे तो दीपिका पादुकोणे के जिस तरह जिस लहजे में उन्होंने कहा कौन इसे रोक सकता है, तो ये जो है जिसपे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि, तो इस तरह की जो भाषा शैली होती है उससे नजर आता है कि देयर समथिंग कुकिंग, कुछ इसमें और है, ये यहां तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ इसमें कुछ और है, मतलब है कि कुछ इसका बिजनेस, इसकी पब्लिसिटी चाहिए उनको, और इसको मैं पब्लिसिटी देने की जो उनकी कोशिश रही है वो उसमें कामयाब दिख रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, भास्कर जी, अजय जी, उपेंद्र जी, दिलीप जी, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। घटना चक्र को हम यहीं पर समेट रहे हैं, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए जैन टीवी के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।